स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। आपके अंदर उठने वाले विचार आपको पता नहीं क्यों आए, आपका चित्तकोश कहाँ है आपको ये भी नहीं पता है, ये सब धोखा है शरीर के अंदर, ये तन विष की बेलरी। कई बार आप फैसले गलत करते हैं, क्या आत्मा ऐसा फैसला करेगी? जो कत्ल करने जा रहा है वो भी तो फैसला करके गया, इसको मारूंगा ऐसे ऐसे, ऐसे तलवार मारूंगा, ऐसे बंदूक मारूंगा, ऐसे कुल्हाड़ी मारूंगा, फैसला नहीं है ये मस्तिष्क है। क्या ये बुद्धि हमारी आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। जो बलात्कार करने जा रहा है वो भी तो यही सोच रहा है, जो चोरी करने जा रहा है वो भी तो फैसला है, इसका मतलब ये हमारा मस्तिष्क आत्मा नहीं हो सकता। फिर हमारे अंदर इच्छाएं होती है, ये भी नहीं पता चल रहा इच्छा कहाँ से हुई, हम मन को भी नहीं देख पा रहे, कोई मन को चीन ना पाए, पूरा झमेला है बॉडी के अंदर भाई, बंधा हुआ है ये आदमी, जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है इस तरह मन इस आत्मा को नचा रहा है। आपका बैरी कोई नहीं है, आपका बैरी मन है। कहाँ गई लखन की आत्मा? ये लखन की आत्मा कहाँ गई है? जो ये कह रहा है मैं लखन हूं, इसी ने दबाया हुआ है। जो कह रहा है मैं लखन हूं, मेरी बीवी है, मेरा वहां घर है, इसी ने इस आत्मदेव को दबा रखा है इसके अंदर, इसको हटाने के बाद आत्मा है। इसलिए साधक लोग मन के चार रूप है, मन का निग्रह बोल रहे हैं, ये जटिल काम है। आओ मैं दिखाता हूं, मन बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल है, मन के चार रूप है। जब निराकार मन ही जानो, जब इच्छा करता है इसको मन कहते हैं, जब फैसला करता है इसे बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसे चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसे अहंकार। इसका मतलब जो भी इच्छा है ये आत्मा नहीं है, वो तो संकल्प विकल्प से परे है, आप निराली चीज है। जो फैसले हैं ये बुद्धि है, ये भी मन है, हर फैसला आपका ये बुद्धि है, धोखा। जो आप याद कर रहे हैं चित्त, ये मन का तीसरा रूप है, इसी से तो पता है मेरी बीबी, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, ये चित्त ही तो अनुभूति करा रहा है, आत्मा इनसे परे है। अहंकार क्रियाएं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, उठना बैठना चलना सांस लेना, ये क्रियाएं ये सब अहंकार। इन चारों को रोकने के बाद जो है वो आत्मा है, ये चारों रुकते ही नहीं है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। इसी को रोकने के लिए ऋषियों ने जंगलों में जाकर के तपस्या करने की कोशिश की, मन का निग्रह किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नियंत्रित करने की कोशिश की, होते नहीं। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोह राख भरमाई। मेरा एक सवाल है, चार तीर्थों में डुबकी लगाकर मन काबू हो जाएगा? दो मंत्र जाप करके मन काबू हो जाएगा? बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर साधनाएं की, कभी भी ये नहीं आता, कैसे छुटकारा हो? आत्मा नहीं दिख रही है। हम चाहे अनचाहे मन का अनुकरण करते हैं, हम सबको पता है हम दुनिया से जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो भी हम लालच कर रहे हैं, तो भी हम लोभ कर रहे हैं, तो भी हम मोह कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है, हम तो भी किसी को दुख दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भर पड़े, ये बहुत ताकतवर है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बिहाल। शिवजी महाराज को भी नचा दिया, देवपति जो श्रेष्ठ हैं जाको कहिए इंद्र, हरि जाय के अहल्या पड़े देह में छिद्र। यानी ये प्रबल शत्रु इन्होंने बंधा है, ठीक है, इन्होंने बंधा है, आप रस्सों से नहीं बंधे, इन्होंने बांधा है, आत्मा इनमें जकड़ी हुई है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से क्रोध और ताकतवर है। देखा पराशर बेचारा हजार साल तपस्या करके आ रहा था, कामदेव ने पटकी मारी और मच्छोदरी से कुकर्म कर बैठा,
सिद्ध हो रहा है, ये काबू नहीं आ रही है चीजें। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवारा खल कामादिक मोह अपारा, ये बहुत ताकतवर है। जैसे बाजीगर नट मरकट को नचाता है, आत्मा को ये मन नचा रहा है। भाइयों इस मन को समझना, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, मन को कोई देख ना पाए, कहाँ रहता है, कौन सी भाषा बोल रहा है पता ही नहीं चलता, आत्मा क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है, हृदय में तामस है कि नहीं, अंधकार है कि नहीं। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से क्रोध और ताकतवर। अरे कपिल मुनि को क्रोध आया राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, दुर्वासा जी को क्रोध आया यदवंश का ही नाश कर दिया, ऋषि मुनियों को क्रोध आया, ये अंदर दुश्मन तगड़े बैठे हैं। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जी, ये सब काम कैसे कर रहे पता ही नहीं चल रहा है, फिर इनका संचालन कैसे हो रहा है, इन सबको आत्मदेव ही शक्ति दे रहा है, इन सबका संचालन आत्मदेव कर रहा है। भाई आपको गुस्सा आया, गुस्सा इंद्रियों के द्वारा आया, मन के द्वारा आया, गाली बकी या कोई बात हुई, आपने उठाकर डंडा खींच के मारा, इस हाथ में क्या ताकत है ये उठ जाए, मस्तिष्क ने आज्ञा दी, शक्ति कहां से आई, आत्मा ने दी, कैसे, आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा सांस ले रही है, और प्राणिन धरित जीव शिव, इससे पूरी बॉडी चेतन है, आज्ञा चक्र में वो आत्मदेव, आत्मदेव ने अपने को शरीर माना, अपने को मन माना, इसलिए आत्मदेव शरीर और मन के काम में जुट गया, आप वाप ही बन गए, अज्ञान हुआ, अज्ञान क्या है, हम अपनी आत्मा को नहीं जाने। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे हम दुनिया से पार हो, थोड़ा देख, कल में केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव त्रह पारा, नाम से, नाम से, सतयुग सत त्रेता तपह द्वापर पूजा चार, कली में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार, नाम, वाह। साहब भी कहे कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिद्धावे, हम सब ने एक तो बात जानी, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, इसका मतलब है दुनिया से पार होने के लिए नाम चाहिए, इतना तो हम समझ गए। नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े सोतरे पर कौन सा नाम ये समझ में नहीं आया, क्या नाम ये समझ में नहीं आया। यहां साहिब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न हो, इनाम कौन दे, हम किससे नाम लेने जा रहे हैं, सार नाम गुरु बिन नहीं पा रहे, ये नाम सदगुरु देगा तब हंसा सतलोक से, ऐसे तो ये बच्चे भी बता देंगे वो नाम सहस्त्र नाम जो वेद बखाना वो नाम नहीं है, हम यहां भूल कर गए। पाखंडी तकवे ने समाज को भ्रमित कर दिया, 60,00,000 गुरुआ नाम दे रहे, नहीं नहीं नाम ब्रह्म राम थे नाम बड़ बरदायक बरदान, वो नाम अलग चीज है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए बिन सदगुरु कोई ना ही पाए, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है भूछे बोला, अरे ये कैसा नाम है, एक पूर्ण सदगुरु ये देगा, पारसुर संत के राजा क्या है, आपकी आत्मा को चेतन करेगा अपने कंसंट्रेशन से, ये है नामदान की क्रिया, ये आप में वो ट्रांसमिट करेगा, जब ये होगा तो क्या होगा, मन का खेला समझ में आएगा, जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा, गुरु हृदय प्रकाशित करता है, बल्ब नहीं जलाता है, नाम की ताकत से आपका हृदय रोशन करेगा, जब हृदय प्रकाशित होगा मन का खेल समझ में आया, माया समझ में आएगी, काम क्रोध लोभ समझ में आएगा, विकार समझ में आएंगे, आपको बदल देगा। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने ढंग को कर लेते हैं, कौन देगा सदगुरु, अब गुरु बहुत है कैसी पहचान, कह रहे हैं गुरु के लक्षण कह तो सुनो धीर चित लाए, प्रथम वो कह रहे गुरु के लक्षण बताए, निर्वासना, जो तत्वज्ञानी है निर्वासना होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी
गुरु बाल ब्रह्मचारी चाहिए। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो ग्रस्त सन्यासी हो, ग्रस्त नहीं, बाल बच्चे छोड़ के आ जाए। आपके लिए नियम है, जो आप भक्त हैं उसके लिए तो एक नारी ब्रह्मचारी, लेकिन जो गुरु है उसके लिए विषय विकार न करो। दूसरा निर्बंधन, उसका घर द्वार न हो, नहीं तो धन उसी में देगा। तीसरा सारग्राही, अपनी कमाई से रोटी खाए, दूसरों का नहीं। चौथा निर्लोभी, पांचवा सर्वज्ञी, समस्त धर्मशास्त्रों का बोध। छठा समदर्शी, सब में एक आत्मा देख। सातवां ईश्वर निष्ठ, वो आपकी आत्मा को चेतन कर देगा। कैसे? सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, वो ये क्रिया नाम ना। जब ये आत्मदेव चेतन हो जाएगा, मन से पूरी फाइटिंग होगी, मन समझ में आता जाएगा, सब दिखने लग जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह समझ में आएंगे, मन की प्रवृत्तियाँ समझ में आएगी, कंसंट्रेट करेगा। जैसे दही मथकर माताएं मक्खन को कंसंट्रेट करती हैं, गुरु नामदान के टाइम आपकी आत्मा को कंसंट्रेट करेगा, समझ में आता जाएगा। गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजारते होए भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास सही। बड़ी अजीब सी बात है, अंदर की दुनिया का जिक्र हम सब तमाम शास्त्रों में पढ़ने को मिल रहा, तमाम धर्म शास्त्रों में आंतरिक संसार की बात पढ़ने को मिलती है, लेकिन आदमी बड़ी असमंजस में है। आखिर हम सब नींद में जब जाते हैं तो एक अवस्था बनती है, हम सब स्वप्न लोक में चले जाते हैं। आखिर स्वप्न लोक में, ये स्वप्न लोक कहाँ था? ऐसे स्वप्न लोक की अनुभूति नहीं हुई, स्वप्न लोक निद्रावस्था के अंदर स्थापित होता है, ऐसे स्वप्न लोक का आता पता नहीं चलता। इसी तरह आंतरिक संसार इसका उल्लेख आ रहा है, कुछ न कुछ तो बात है ना। चिदाकाश में और आंतरिक संसार में भ्रमण का उल्लेख योगावशिष्ठ महारामायण के अंदर भी है, देवी और लीलावती के संवाद में। पता चलता है हम सब आंतरिक जगत में जा सकते हैं, जो निर्गुण भक्ति है उसमें साकार उपासना नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी बाहरी उपासना नहीं की, जैसा कि मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मूर्ति पूजा का ऐतिहासिक अगर विवरण देखें, सम्राट अशोक के काल से हुआ, ये प्राचीन नहीं है, क्योंकि प्रथम सम्राट अशोक ने बुद्ध मठों का सृजन किया। उन बुद्ध मठों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी गई, वहीं से ही मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। इससे पहले हमारे पूर्वज लोग निर्गुण भक्ति में पंच मुद्राओं द्वारा आंतरिक जगत की अनुभूति करते थे। इसका एक रूट है, ये मुश्किल नहीं है। इस पर साहब ने अपने एक रेखते में बहुत अच्छी तरह से इसका विवरण दिया। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा, सोहम सत जो निरंजन कहिए रणकार ओंकारा।
शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना, जो जाकी उपासना की ना जिसका कहूँ ठिकाना। अर्थात सर्वशक्तिमान ने पांच शब्द पुकारे, स्वयं सत ज्योति निरंजन रण का रोंकार। अगर आप देखें तो हमारे धर्म में निर्गुण भक्ति इन पांच नामों के इर्द गिर्द है। आगे साहब कह रहे हैं, जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना, किस किस तरह से, किस मेथड से उनकी उपासना की गई, किसने की, इसमें कौन माहिर था, उसका ठिकाना बोलता हूँ। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहै नैनन माही, किसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताई। मनुष्य ने सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा की खोज शुरू की। कुछ लोगों ने परमात्म तत्व को बाहर ढूंढा, कुछ लोगों ने आंतरिकता में ढूंढा। आइए देखें, जब इंसान हताश हो गया तो पहले बाहर ढूंढा है परमात्मा को। जब बाहर परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सका, उसके पास संसाधन उतने नहीं थे, हताश होकर कुछ लोगों ने आकाश की तरफ निगाह करके कहा कि वहीं है परमात्मा, हमारी पहुंच और पकड़ से बाहर है। कुछ लोगों ने पंचभौतिक तत्वों को ही परमात्मा की संज्ञा दी। बदस्तूर वो आज भी ये सिस्टम चल रहा है। कुछ जल को मानते हैं, कुछ अग्नि को मानते हैं, कुछ पृथ्वी को मानते हैं, कुछ कर्म को मान रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष को मान रहे हैं, निराकार को मान रहे हैं। उसके बाद आदमी संतुष्ट नहीं बैठा, उसने अपने व्यक्तित्व को, अपने को, अपने अंतःकरण को, अपने आप को समझने का प्रयास किया। इस श्रृंखला में शरीर के अंदर चक्रों पर ध्यान रोकना शुरू किया। क्यों रोकना शुरू किया? आप देखें कि ये हमारे शरीर के सात चक्र हैं, ये एक्टिव होते हैं। बहुत से काम आप मस्तिष्क चक्र से करते हैं, सहस्त्र साल से। कुछ आज्ञा चक्र से आप चिंतन और विचार कर लेते हैं, कुछ विशुद्ध चक्र से आप बोलने की प्रक्रिया करते हैं। हृदय चक्र से पूरे शरीर का संचालन होता है, ऊर्जा मिलती है। नाभि चक्र से, मणिपूरक चक्र से पूरे शरीर के का पोषण होता है। और स्वादिष्टान चक्र से सृजन चलता है, संतान उत्पत्ति होती है। मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र है, जब भी बल लगता है तो यहीं से बल प्रारंभ होता है। इसलिए आदमी इन चक्रों पर कंसंट्रेट होकर के ये जानने लगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी ताकत है जो मुझे संचालित कर रही है। इसलिए आदमी इन चक्रों की तरफ झुका, संभवतः फिर इन चक्रों में ध्यान करने लगा, यहाँ की कोशिकाओं के विषय में अनुभव करने लगा। अगर हम शरीर के संचालन में देखते हैं तो कोशिकाओं का बड़ा हाथ है। जो हम देख रहे हैं ये भी सेल का खेल है, जो हम बोल रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है, जो हम सुन रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं इसमें भी हमारी कोशिकाएं काम कर रही है। सीधी सी बात है कि आदमी ने जब शरीर को समझने का प्रयास किया तो इन कोशिकाओं पर वो कंसंट्रेट हुआ। जो जाकी उपासना किया तिसका कहूँ ठिकाना, ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहै नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज है ताही। गोरखनाथ जी चाचरी मुद्रा में जाते थे, कुंभक रेचक पूरक क्रियाएं करके चक्र शोधन वो भी करते थे। पहले पूरे शरीर को ओपन करते, खालिश साफ करते थे। चक्र शोधन में योगी लोग क्या करते हैं, सातों चक्रों को शोधन करते हैं निर्गुण या चाचरी मुद्रा में जाने के लिए। मुद्राओं में जाने के लिए वो चक्र शोधन करते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले मूलाधार चक्र को साफ करते हैं, पहले भोजन नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, पानी के टप में बैठकर गुदा द्वार से जल खींच करके फिर छोड़ते हैं, फिर खींच करके फिर छोड़ते हैं, ताकि मल द्वार में कोई मल नहीं रहे पेट में। स्वादिष्टान चक्र का शोधन करते हैं, दूध शिष्यनेन्द्रिय से ऊपर खींचते और छोड़ते हैं। नौ अंगुल का गज होता है, उसको शिष्यनेन्द्रिय में डाल करके उसकी शुद्धि करते हैं, ताकि मूत्र बॉडी में नहीं रहे। धोती क्रिया द्वारा वो सात हाथ लंबी धोती लेते, चार उंगल चौड़ी फाड़ करके गीली करके निगलते जाते हैं, एक सिरा हाथ में रखते हैं। ये क्रिया तीन बार करते हैं, इससे अमाशय इन सब को साफ कर देते हैं। अनहत चक्र को स्वच्छ करने के लिए सवा हाथ दातुन लेते, कूंच करके दातुन गले के नीचे तक उतार करके और वक्ष क्षेत्र को साफ करते हैं। नाम गुरु का तू ले
स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। स्वादिष्ठान चक्र का शोधन करते हैं, दूध शिष्यनेन्द्र से ऊपर खींचते और छोड़ते हैं, नौ उंगल का गज होता है उसको शिष्यनेन्द्र में डाल करके उसके शुद्धि करते हैं ताकि मूत्र बॉडी में नहीं रहे। धोती क्रिया द्वारा वो 7 हाथ लंबी धोती लेते, 4 उंगल चौड़ी फाड़ करके गीली करके निगलते जाते हैं, 1 सिरा हाथ में रखते हैं, ये क्रिया 3 बार करते हैं, इससे अमाशय इन सब को साफ कर देते हैं। अनहत चक्र को स्वच्छ करने के लिए 7 हाथ दातुन लेते, कूंच करके दातुन गले के नीचे तक उतार करके और वक्ष क्षेत्र को साफ करते हैं। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र, कंठ में इसको कुंजल क्रिया से जल पी करके साफ करके यहाँ से कफ पित्त को हटाते हैं। 6ठा आज्ञा चक्र, एक टाइम पर एक नासिका चलती है, एक बंद होती है, कभी इंडा कभी पिंगला, अभी मेरी इंडा नाड़ी चल रही, पिंगला बंद है, इसको खोलते हैं, एक नाड़ी से जल लेते हैं, दूसरी से बलपूर्वक छोड़ते हैं, जिससे मस्तिष्क में जो कफ है इस नाड़ी में उसको साफ करते हैं। फिर प्राणों का आयाम करके पूरी पवन 10वें पवन को शरीर से उठाते हैं ताकि शरीर को क्रिया न हो शरीर और शून्य करते हैं। पूरी शरीर के अंदर से 10 वायु अपान समान उदान प्राण सर्वतन जान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय सब अल्लादी वायुओं को कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा कपाट में ले आते हैं। पूरी ऊर्जा मस्तिष्क में यहाँ आज्ञा चक्र में लाकर यहाँ एक प्रकाश देखते हैं सुनहरे रंग का, वो अद्भुत प्रकाश आनंददायक, उसी को अलग ब्रह्म कह के योगी लोग यहीं उसी में रत रहते हैं, इसलिए उनका उद्घोष और सल्यूट के लिए भी शब्द है अलग निरंजन। वो यहाँ पर ध्यान लगा करके इसकी अनुभूति करते दिव्य प्रकाश की। दूसरा ओमकार, इससे वो काफ़ी अनुभूतियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए योगी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो लोग ये क्रिया करते हैं। आज भी हमारे देश में कई मत मतांतर हैं जो इस क्रिया को करते हैं, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, चक्र शोधन किए बगैर आगे अपना दोनों आँखों के बीच में ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, वो होना मुश्किल हो जाता है। ठीक, आपके पेट में अन्न है तो आपकी गैस बनेगी, आपके पेट में अन्न है तो आपको एक नशा रहेगा, आपके पेट में अन्न है तो एक आपको टेंशन रहेगी, इसलिए वो पहले इस क्रिया द्वारा पूरे पेट को खालिश कर देते हैं। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसलिए वेद कह रहा है कि योग के लिए आपको ब्रह्मचारी रहना होगा। साहब ने भी वाणी में कहा, जहाँ भोग तह योग विनाशा, अर्थात जो ग्रस्त आश्रम में रहने वाला है योग क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि योग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए निर्गुण भक्ति में पहला फैक्टर यह है। दूसरा कह रहे हैं, ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिपुटी है अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना सुन अनंत की ताना। कुछ लोग आज्ञा चक्र की कोशिकाओं को जागरूक करते हैं। यहाँ पर हमारी नाड़ियाँ हैं, देखिए जैसे आप अतीत को देखना है तो आपके चित्त की कोशिकाएँ आपको अपना अतीत दिखा देती है, ये नाड़ियों का खेलता है ना, जब इंसान कामा में पहुँच जाता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करके और नाना लोक लोकांतर और कई चीज़ें देखते हैं, भविष्य भूत का भी उन्हें पूरा बोध हो जाता है। इसमें माहिर थे वेदव्यासी। तीसरा कह रहे, सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना सुन अनहत की ताना। तीसरी क्रिया में ये अगोचरी मुद्रा है जिसमें सोहंग का जाप किया जाता है, अपना कंसल्टेशन सोहंग में जप कर सांसों का वो भी निग्रह करते हैं, सांस लेते सो और छोड़ते हंग करते हैं, धीरे धीरे 4 उंगल में अपना पूरा कंसंट्रेशन लाते हैं, हालांकि वो भी चक्र शोधन नहीं कर रहे, जैसे प्रथम योगी लोग चक्र शोधन कर रहे हैं वैसे वो चक्र शोधन नहीं कर रहे, किंतु वो इंडा पिंगला को वो भी लय कर रहे हैं। इंडा पिंगला के लय होने के साथ में सुषुम्ना नाड़ी को वो भी खोल रहे हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी को खोलते हैं तो बंकनाल, इसी को भंवर गुफा कहा, गगन गुफा भी कहा,
अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर चले जाते हैं। कैसे चला जाता है? आपका ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। ध्यान से सब काम होते हैं। देखिए, आप भौतिक दुनिया के जितने भी काम कर रहे हैं वो सब ध्यान से होते हैं। अब उसमें वो क्या करते हैं, अपना ध्यान ईंटा पिंगला को वो भी लय करते हैं, दोनों स्वर से श्वासा को वो ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान समस्त वायुओं को डाइवर्ट करते हैं। इसको साहेब भी कह रहे, पवन को पलट कर शून्य में घर किया। शून्यावस्था को कैसे प्राप्त होते हैं? वो लोग भी जो अनहद धुनों का ध्यान करने वाले, इसलिए जो अध्यात्मवाद में आप देखें कुछ लोग इन धुनों को बड़ा महत्व देते हैं, वो लोग एकाग्र होकर के ईंटा पिंगला को वो भी लय करते हैं। इसलिए अंदर की दुनिया का विवरण आने पर भी आदमी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ चाचरी में चलते हैं, कुछ खेचरी में चलते हैं, कुछ भूचरी में चलते हैं, कुछ अगोचरी में चलते हैं, कुछ उन्मुनी मुद्रा में चलते हैं। तो ये अंदर की जो निर्गुण ध्यान करने की विधि है, ये भी अलग अलग है। कई मत मतांतर इस पर, नाना मत मतांतर, अलग अलग इनका नज़रिया है। इसलिए साधक ये समझ नहीं पाता है कि आखिर अंदर की दुनिया का मामला कैसा है। तो इसमें साधक क्या करता है, इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। अब ये क्या करते हैं, इंडा और पिंगला को ये लय कर देते हैं। इससे एक काम हो जाता है, जब ईंटा पिंगला लय हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, तो शरीर की एक्टिविटी सुषुम्ना नाड़ी खुलने के साथ स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि जब भी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी तो आपकी श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। इसको कहा पलटू साहब ने भी कि अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा, यहाँ श्वास उलट जाती है। जब श्वास उलटती है इसका एक लक्ष्य होता है, श्वास को इसलिए उलटते हैं। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तह हो भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल भये, ताके पिए सब प्यास जाई। अर्थात जब ईंडा और पिंगला को, इसका चाबी क्या है, ईंडा और पिंगला को ध्यान खोलने के लिए ध्यान से ये सुरत से खुलती है। मैंने इसका एक आपको कई बार उल्लेख किया है कि जब गोरखनाथ जी के साथ में कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी तो उन्होंने पूछा था, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, इस काया के अंदर श्वास सार है। बोला कहाँ से श्वासा उठते हैं, कहाँ पर जाए समाए? गोरखनाथ जी ने जब साहब से पूछा कि कबीर श्वासा शरीर मध्य सार क्या, भाई तिलों में सार क्या है, तेल, घी में सार, दूध में सार क्या है, घी, मेहंदी में सार क्या है, लालिमा, शरीर में सार क्या है, कहा श्वास। उन्होंने पूछा कबीर काया मध्य सार क्या, साहब ने कहा काया मध्य श्वास सार, काया में श्वास सार है, इसी से पूरा शरीर चल रहा है। ठीक है, रक्त तो एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर श्वास ही नहीं है तो रक्त कहाँ से सृजित होगा? थोड़ी देर भी श्वास रुक जाए आदमी खत्म हो जाता है। श्वास बड़ी सार चीज़ है, सच में हमारा शरीर श्वासा द्वारा संचालित है, प्राणों का खेल है। तो साहब ने जवाब दिया कि गोरख काया मध्य श्वासा सार, शरीर के अंदर श्वास सार है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से श्वासा उठते हैं, कहाँ पर जाए समाए, ये श्वास कहाँ से उठती है, कहाँ से आती है, कहाँ पर जाए समाए। भाई हम नदियों के लिए जानकारी नहीं लेते हैं कि भाई गंगा कहाँ से चली, कहाँ पर जाकर समाई, पूछते हैं ना कि ये रोड कहाँ से चला, कहाँ जाकर खत्म होता है, पूछते हैं ना ये राज्य कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाकर खत्म होता है, ये झील कितनी लंबी है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाकर खत्म हुई, हम पूछते हैं ना। इस तरह गोरख जी ने पूछा साहब से कहाँ से श्वासा उठता है, कहाँ पर जाए समाए। साहब ने कहा शून्य से श्वासा उठते हैं, नाभि जल में आए, ये शून्य से उठकर नाभि जल में आती है। अब चेक करें कैसे, अगर आप आंख बंद करके 2 मिनट पूरी एकाग्रता से ये देखें कि श्वास क्या चीज़ है, जब आप पूरी एकाग्रता से देखेंगे तो श्वास ली जा रही है, श्वास खुद नहीं चल रही है। श्वास लेने के लिए हम एक क्रिया कर रहे हैं, यूं छोड़ने के लिए
यूं ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं। श्वास लेने का साधन नासिका है, पर नाक ही श्वास थोड़ी ले रही है। जो मर जाता है आदमी उसकी भी तो नाक होती है, उसकी श्वास क्यों नहीं चल रही। श्वास लेने की क्रिया है यूं करना और छोड़ना, और माध्यम है नासिका के दो छिद्र, इंडा और पिंगला। श्वास कौन ले रहा है? क्या श्वास खुद चल रही है? नहीं, श्वास ली जा रही है। श्वास लेने के लिए एक प्रक्रिया की जा रही है। ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? क्या श्वास खुद चल रही है? बाजे लोग मानते हैं कि श्वास खुद चल रही है, श्वास खुद नहीं चल रही है। श्वास लेने के लिए एक क्रिया है, यूं किया जा रहा है। ये क्रिया कौन कर रहा है? जब आप एकाग्र, आप कहेंगे मैं कर रहा हूं, आप कौन है? जब आपसे ये सवाल पूछेंगे आप कौन है, तो यहां आदमी उलझ जाता है। ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? अगर आप पूरे ध्यान से एकाग्र होकर के देखेंगे तो आज्ञा चक्र के अंदर एक चेतन सत्ता बैठी है, एक चेतना है, वो ये क्रिया कर रही है। पर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, श्वास आपको लग रहा है मैं ले रहा हूं, पर इस मैं की तह में जब जाओगे तो इस मैं के पीछे आपको मन मिलेगा, और मन के पीछे आपको एक चेतना मिलेगी। बिल्कुल वैसे चेतना बड़ी अजीब मिलेगी, जैसे आपने रंगीन कपड़ा पहना हुआ है, ये टॉवल है, बेसिकली ये कॉटन है, इसमें आप सफ़ेद धारा देख रहे हैं। ये सफ़ेद धारा नहीं है, ये सफ़ेद है ही था। फिर ये जो आप इसमें एक कलर देख रहे हैं, ये प्रिंट किया इसके ऊपर। अब इसके अंदर, इस कलर के अंदर वाइट, जो इसकी वाइटनेस थी, मूल इसका रंग था, अच्छा दित हो गया। इस तरह हमारी चेतना मन से अच्छा दित हो गई। अब इसमें एक कलर दिख रहा है, जो वाइटनेस है वो नहीं दिख रही है, अब कलर दिख रहा है। लग रहा है कि तौलिया कलर है, कलर्ड है। हकीकत यह है, इस कलर्ड को हटाने के बाद मूल कपास की स्थिति इसके अंदर है, जो कि उसका नेचर साफ है, स्वच्छ है, सफ़ेद है, श्वेत है। इसी प्रकार अगर आप इस मैं के पीछे जाएंगे तो पहले आपको मन मिलेगा, मन के निवृत्त होने के बाद इस मैं में आत्मदेव खड़ा है, इस मैं के पीछे फिर आत्मदेव मिलता है। अगर आप पहले ये देखेंगे श्वास कैसे चल रही है, तो आपको लगेगा मैं ले रहा हूँ। ये मैं कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मन अनुभव कर रहा है मैं हूँ, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो ये श्वास ले रहा है, पर ये श्वास नहीं ले रहा है, ये एक तंत्र है। श्वास ये लेता हुआ लग रहा है, पर इसको ऊर्जा मिल रही है हमारी आत्मा से, वो एक दिव्य चेतना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, वो श्वास ले रहा है। ये कौन था? ये आत्मा है। क्या आत्मा आज्ञा चक्र में है? बिल्कुल। आप इसका प्रमाण देता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका मस्तिष्क ही सभी काम कर रहा है, पर मस्तिष्क तो एक प्रिंट है आत्मा के मूल रूप पर। जैसे इस सफेद कपास के तावल पर, सूत के तावल पर ये कलर, स्लेटी कलर एक प्रिंट है, इसी तरह जो मस्तिष्क है ये तो आत्मा के ऊपर एक प्रिंट है। अगर इस कलर को निकाला जाएगा ये वाइट हो जाएगा, पर जब तक कलर है ये वाइट नहीं दिखेगा। इस तरह हमारी आत्मा मन के संपर्क में आकर के मैं हो गई है। सच ये है कि इस मैं का संचालन आत्मदेव कर रहा है। यहीं पर साहब ने एक शब्द का, आपो आप ही बंद लो, ये मैं का अपना अस्तित्व नहीं है, इस मैं के पीछे आत्मदेव की चेतना है। तो जब आप ये कहेंगे मैं श्वास ले रहा हूँ, इस मैं के बारीकी में जाओगे तो वो आत्मदेव वहाँ है, वो श्वास ले रहा है, चेतन है। इसी को वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अर्जुन सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए द्रकुटी के मध्य साधन करके अपने आप को जानो, आत्म साक्षात्कार करो, मन का निग्रह करके। अब मन का निग्रह कैसा है?
मन का निग्रह करना बड़ा मुश्किल है। यहां वासुदेव कृष्ण कर रहे हैं, आप हे अर्जुन, भ्रकुटी के मध्य मन का निग्रह करके आत्मा साक्षात्कार करो। अब मन का निग्रह, अर्जुन ने कहा हे प्रभु मुझसे ये काम नहीं होगा, ये मुश्किल है। सही में मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है, आदमी मन को जानते ही नहीं है। अगर आदमी सोचे कि चलो मन को निग्रह करूं, अर्जुन ने कहा वायु की गठान मानना असंभव है, तदपि संभव है, फिर भी हो सकती है, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता हूं। हे जनार्दन मन प्रमथनशील, मैं इसको निग्रह करने का प्रयास भी नहीं करना चाहता हूँ। जबकि अर्जुन निद्रा जीत था, लक्ष्मण और अर्जुन दोनों ने नींद जीती थी, यानी विचारों पर इतना नियंत्रण भी करते थे, पर वो कह रहे नहीं मन पर निग्रह नहीं कर सकता हूँ। उदधि मंथन है, समुद्र का मंथन हो नहीं सकता, विशाल है उसका जरिया नहीं, तदपि संभव, फिर भी मैं करूँगा, आप मुझे आज्ञा दो, मैं इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ करूंगा। मन को एकाग्र करने के लिए मैं प्रयास ही नहीं करना चाहता हूं, मैं हार चुका हूं, हे प्रभु इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, ये बहुत प्रमथन दुष्क्रिय असाध्य, इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। वायु गंडती, हवा की गठान बांधना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हवा की गठान बांधना मुश्किल है, लेकिन आप कहो मैं कोशिश करूंगा। हे प्रभु मन को तो मैं बस करने की कोशिश ही नहीं करना चाहता हूँ। शून्य को तोड़ना, वैक्यूम को तोड़ना मुश्किल है, किस हथियार से तोड़ोगे, शून्य कैसे टूटेगी, मेरे दो हाथ के बीच में एक स्पेस शून्य है, इसको कैसे तोड़ोगे, ना आग जला पाती है ना कुछ होता है। बोला ये भी तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है कुछ, इसके लिए मैं सोच सकता हूँ, लेकिन हे जनार्दन मन को कंट्रोल करने के लिए मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु मैं पूरे यत्न करके हार चुका हूँ, ये प्रमथन है, अर्थात ये किसी भी तरह वश में नहीं आने वाला है। अब बताता हूँ क्यों। यहाँ आप अर्जुन की बात पर चिंतन करें, हम सब आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, इजी नहीं है, इसमें रुकावटें हैं, इसमें दिक्कत है, क्योंकि जब तक हमारा मन एक्टिव है तो आत्मा का पता नहीं चलेगा। किसी एक जगह पर मकान बनाया, वहाँ भूमि थी, पर भूमि का स्वरूप जब तक मकान स्थिर है वहाँ स्थित है, भूमि नहीं दिखेगी, मकान को रिमूव करके ही जमीन यथास्थिति में आ सकती है। इसी तरह मन को निग्रह करके ही हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो यही लगेगा मैं मधु, मैं लहर सिंह हूँ, मेरा घर है, मेरी बीबी है, आचरण और व्यवहार में भी हम यही कर्म कर रहे हैं। बोला हे जनार्दन इसलिए आत्मरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है कि आत्मा का अनुभव न होने में हमारी मन की प्रक्रियाएं शामिल हैं, ठीक है, जो अभी दिख रहा है ये मन है, संतो तन खोजे मन पाया। तो इस तरह का हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं इस मन को निग्रह नहीं कर सकता, मन थिर कर परमात्म जाना, यहाँ साहेब भी कह रहे हैं मन स्थिर करके ही परमात्म तत्व जान पाओगे, नानक देव जी कह रहे हैं मन मानिया तो हरि जानिया, मन के हारे हारे मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। वाह, हम देखते हैं जो हम अपने को अभी अनुभव कर रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, ये आत्मदेव नहीं है, इस मैं के अंदर आत्मदेव छिपा हुआ है, ठीक है, इस मैं को मिटाने के बाद जो बाकी बचेगा आत्मदेव है, बस आप मैं को मिटाओ। नानक हो मैं रहा अड़ाई, बाजे लोग क्या करते हैं, फिर मैं नहीं बोलते अपा बोलते हैं, बोलते मैं मिटानी है, वो सिर्फ मैं शब्द का इस्तेमाल बंद करते हैं, वो कहते हैं अपन माँ मैं नहीं बोलना है, जैसे डोगरी में आऊँ बोलते हैं, अब मुझे थोड़ी थोड़ी डोगरी आती है, आदमी को माणू बोलते हैं, पहाड़ी डोगरी भी आती है थोड़ी बहुत, तो तू मैनू मार मुकाम बन गया बाबा, इस मैं को मिटाना मुश्किल है। नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी।
सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। तो तू मैनू मार मुकाम बन गया बाबा, इस मैं को मिटाना मुश्किल है। यही कहा, इसी मैं का नाम मन है। यहाँ पर साहब फिर कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। क्या हुआ, हम जब हमारी आत्मा मानसिक स्थिति में आ गई तो वो जीवन 5-25 ही लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी, नशा करने के साथ ब्रेन पर असर पड़ता है, वो आड़ा टेढ़ा देखने लगता है, उठपटंग सोचने लगता है। इसी प्रकार से मन के मिलने के साथ आत्मा का रिदम बिगड़ गया, आत्मा अपनी खालिस स्थिति को भूल गई, आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई। पानी के अंदर आपने नींबू डाला तो पानी का स्वभाव, पानी का नेचुरल स्वाद उसमें आच्छादित हो गया, उसमें नमक डाल दिया, उसने उसको ग्रहण कर लिया। इस तरह आत्मा ने मन और माया को ग्रहण करके मूल रूप खोया, वो हमेशा के लिए नहीं खोया, वो मूल रूप स्थित है। सिर्फ नमक निकाल दो उसमें से, नींबू निकाल दो, पानी ज्यों का त्यों है, चीनी निकाल दो, पानी ज्यों का त्यों है, उसका मूल रूप गया नहीं, लेकिन पानी के संसर्ग, चीनी के संसर्ग के कारण उसका मूल रूप आच्छादित हुआ, इसको आच्छादन कहते हैं। और नींबू के मिश्रण के कारण से जल का स्वाभाविक जो रूप था आच्छादित हुआ, वो उसमें है, निहित है। इस तरह मन के धारण करने से हमारी आत्मा अपने मूल रूप से विस्मित हुई। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए मन भाई हल क्या है, अंधेरे को मिटाने का क्या साधन है, अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है रोशनी। ये अलग बात है कि हम रोशनी का सृजन किस सूत्र से कर रहे हैं, सूर्य के द्वारा, सौर ऊर्जा से, बैटरी से, बिजली से, मशाल जलाकर, अग्नि द्वारा, अलग चीज़ें, लेकिन अंधकार की निवृत्ति का साधन ही प्रकाश है। इस तरह आत्मज्ञान के लिए मना निग्रह है ही हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध की अष्टांग थ्योरी देखिए, चाहे वेदों को देखिए, चाहे महापुरुषों की वाणियों को देखिए, चाहे श्रीमद् गीता को देखिए, चाहे रामायण को देखिए, वहाँ पर सबसे पहले बाधक मन ही है। मैं इस पर कंसंट्रेट होकर के बोल रहा हूँ, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। मन का निग्रह मत बोलो, ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत जटिल है ये, मैं हार चुका हूँ पूरी पूरी। बोला हे अर्जुन, आत्मकल्याण के लिए मन का निग्रह कर। सीधी बात है कि हमें आत्मा तक जाने में मन को निग्रह करना है, यही वेद कह रहे हैं। मन का निग्रह कैसा, मन के चार रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये मन संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है, इसका मतलब आपकी हर इच्छाएं आपकी आत्मा की नहीं है, सीधी बात है, ये पूरा मन का कारोबार है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बनाया मन से, ये सुख होना, ये दुख होना, ये खुशी मिलना, ये परेशानी होना, ये उठापटक करना, ये गर्मी लगना, ये सर्दी लगना, ये सब मन है। संतो तन खोजे मैं मन पाया, मन है निरंजन सवे नचाई। इम्प्लीमेंट करके छोड़ता है अपना पूरा हुक्म, ठीक है। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहता है नाच नचा रहा है, इस जीवात्मा को मन हर एक नाच नचा रहा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमा, ये और कोई भी नहीं है जो कह रहे हो मैं हूँ लहर सिंह, मेरे भैया यही है वो, ठीक है। जो कह रहे हैं मैं कैप्टन कृष्ण लाल हूँ, यही है वो। जो कह रहे हैं मैं राजू हूँ, यही है वो मन। ये बड़ा जटिल है, इसने आत्मा को दबा रखा। लहर सिंह की आत्मा कहीं सफ़र करने नहीं गई है, इधर ही है। आपको सही सही एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सही ठिकाना बता रहा हूँ। मन के ये चार रूप हैं, जो आपकी इच्छा है आपकी नहीं है,
आत्मा तो इच्छा संकल्प विकल्प से परे, इसलिए यह झमेला आपका नहीं है। और सुख दुख यहाँ से शुरू हुआ, जब इच्छाओं की पूर्ति हुई आनंद है, ये भी ब्रेन ने फील किया, जब इच्छाएं पूरी नहीं हुई परेशान हो गए, इसलिए मन ही परेशान होता है। मन ही कितनी गर्दिशें आती है, आप देखना मैं एक ही रंग में रहता हूँ, एक रंग में जो रहे ऐसा बड़ला कोय कबीरा, ऐसा बड़ला कोय। मन तरंग में जगत भुलाना, जब चाहे दुनिया को उदास कर लेता है, जब चाहे दुनिया को खुश कर लेता है, जब चाहे जो कर लेता है। इसका मतलब है आपका संकल्प कोई भी नहीं है। ये सब जो मैं लहर सिंह है, ये खतरनाक चीजें हैं। मन का दूसरा रूप बुद्धि, ये कोई कम कमाल कर रही है? इसी बुद्धि से पूरा मित्र शत्रु बना रहे हैं, अपना बुरा कर रहे हैं, ये है फलाना है, इसने यूं किया उसने यूं किया, इसको अभी छोड़ना नहीं है, इससे ऐसा बदला लो, राग द्वेष उत्पन्न कर रही है बुद्धि। और हमेशा इसका रुझान किस तरफ है? अपने स्वार्थ की तरफ है, अपनी इंद्रियों की तरफ है, अपने मन की तरफ है। इसलिए कोई सफा न देखा दिल का, जब तक इनके अधीन आदमी निर्मल हो ही नहीं सकता है। रहीम कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। हमारी बुद्धि क्या कर रही है? सेल्फिश है, अपने अपने हितों में लगी रहती है, अपने अपने काम में लगी रहती है, अपनी अपनी सब चीज़ें करती हैं। बुद्धि बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसका रुझान ही इंद्रियों के सुख की तरफ है, भौतिक सुखों की तरफ है। ये कभी प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रेरणित ही नहीं करेगी। पूरा ताना बाना मन ने ऐसा बना रखा है कि आत्मा हिले ही नहीं, आत्मा अपने को समझने की चेष्टा ही नहीं करे। पूरा सिस्टम इतना डेंजर है, सभी इंद्रियां अपने अपने स्वाद के लिए लपक रही है। अनचाहे में सुंदरता देखी आंखें चोरी से भी देखने लग जाएगी, और खाने की चीज़ देखी मुंह लार टपकाने लग जाता है, किसी का धन देखा तो लोभ आ जाता है, विकारों की इंद्रिय अपनी तरफ दौड़ा रही है। पूरा मामला ही अटपटा है। ये दाढ़ी वाला आकर दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ दे गया, ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। बड़े धोखे से बॉडी बनाई गई है, ठीक है। पांच सखी पीऊँ पीऊँ करते हैं भोजन चाहत न्यारी न्यारी, इन सब मिल जीव ही घेरा। अरे गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहदेवा कर बैठे थाना, आप इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, आवत देख विषय बिहारी, ते जड्डेत कपाट उघाड़ी। वाह हरि माया अति दुस्तर, तर न सके विशेष। वाह बहुत मुश्किल है, इसलिए जीव बहुत से बंधनों से बंधा। यही बात अर्जुन ने कहा, हे भगवान हो नहीं सकता ये मामला हमसे, हम आत्मा तक पहुँच नहीं सकते। बुद्धि बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन है, हमेशा ये अपना मतलब देखेगी। इसका मतलब है इंद्रियों की पूर्ति, इंद्रियां इसकी सहायक हैं, क्योंकि इंद्रियां इसकी मददगार हैं। ये आँख को देखी, हाथ पांव बॉडी हड्डियां कम हो गई तो बुद्धि तब परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे काम चलाना है। मन ने कहा श्रीनगर घूमने जाना है, ये मन ने कहा, मन जा ही नहीं सकता है जब तक टांगे काम नहीं देगी। ये कर्म इंद्रियां आँखें काम नहीं देगी, इसलिए एक दूसरे के पूर्वक है। मन कभी भी इंद्रियों का कहना नहीं टालता है, इंद्रियां मन का कहना नहीं टालती है, ठीक है। ये इनकी बड़ी आपस में साजिश है। संतो तन खोजे मन पाया, बहुत डेंजर चीज है ये मन भैया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए बुद्धि से उम्मीद नहीं करना, आपका कल्याण कर सकती है, नहीं करेगी। चित्त मन का तीसरा रूप है, इसको एकाग्र, अनचाही इच्छाएं उठती है, अनचाहे फैसले हो जाते हैं, इनका निग्रह करें कैसे? बार बार नहीं चाहते हुए भी चिंताएं, काफ़ी लोग अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई घटना हुई वो याद नहीं करना चाहते, उसका दुख होता है, चिंतन करते करते पागल भी हो जाते हैं। इसका मतलब है बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, अनचाही इच्छाएँ याद आती है। सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें याद करते पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, शर्मिंदगी मिलती है, चाहे अनचाहे यदा कदा वो चित्त में घूमती है, आदमी परेशान हो जाता है, उनको याद ही नहीं करना चाहता है, पलट पलट करके वापस आ जाती है। आपको बताना चाहूंगा, टेंशन मत लेना, ये चित्त टेंशन देता है, वही घुमा घुमा के याद करेगा। तुम कहते हो कल करो, मैं आज करता हूं, जिंदगी की हर मुसीबत नजरअंदाज करता हूं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है उसको बाईपास करता हूं। डी साहब क्या ख्याल है? मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, कितना जटिल है। और मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राग भरमा, ये कितना जटिल है। सिंह खतरनाक है, बजाय एक तो फुर्तीला और ताकतवर है, दूसरा पंजे बहुत ताकतवर है, एक बार यूं लगाकर नोच देगा, मुंह इतना बड़ा और दांत इतने तेज, इतनी गर्दन ताकतवर है कि आदमी को 30 सेकंड में ख़त्म कर दे। इस तरह मन बड़ा प्रबल है, इसकी ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है। अनचाही यादें आती है, ध्यान करने बैठ जाओ तो अनचाही बातें लाकर दिमाग में घुमा देता है, परेशान करता है।
सुनो, इससे फिर भयंकर है अहंकार। ये चारों मन के रूप है। अहंकार क्या है? एक्टिविटी। खड़े हो जाओ। ये जो खड़ा हुआ, ये कौन खड़ा हुआ? अहम, मैं। पंडित जी खड़ा हो, आप खड़े हुए ना, कौन खड़ा हुआ? अभी ये चालाकी से बोला शरीर। आप नहीं खड़े हुए, आप नहीं खड़े हुए ना। अब ऐसा करो, आप बैठ जाओ, शरीर खड़े रहने दो। जो ये अनुभूति कर रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं सो रहा हूं, ये अहंकार है। मीन्स एक्टिविटी इज अहंकार। जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो, ये अहंकार है। ये मन का रूप है। कोई समझाएगा क्यों है मन का रूप? कोई भी बोले। जो ये अनुभव कर रहे हो, मैं लहर सिंह हूं, ये क्या है? इसमें मेमोरी है कि नहीं है? इसमें ब्रेन है कि नहीं है? इसमें मन है कि नहीं है? इसलिए इसमें अहंकार है, एक्टिविटी है कि नहीं है? इसलिए इस एक्टिविटी में ब्रेन भी शामिल है, चित्त भी। यहां हो, इधर आने में कौन शामिल था? आप ऐसे क्यों आए, घूम के क्यों नहीं आए? ब्रेन शामिल था कि यही शॉर्ट पड़ेगा, पीछे जाओ। इस पूरे अहम में चारों चीजें शामिल है कि नहीं है? कि ब्रेन भी शामिल हुआ, उसने बोला भाई ऐसे आगे बढ़ो, मेमोरी भी शामिल हुई कि भाई आगे आने का मतलब, इधर आने का मतलब यह है, एक्टिविटी भी हुई। इसलिए चौथी चीज़ बड़ी खतरनाक है, इसको फुल स्टॉप करना। जो देख रहे हैं ये भी क्रिया है, जो सुन रहे हैं ये भी क्रिया है, जो बोल रहे हैं ये भी क्रिया है, जो बैठे हैं ये भी क्रिया है, जो लेटे हैं ये भी क्रिया है, जो सो रहे हैं ये भी क्रिया है। आदमी क्रिया से बाहर निकल नहीं पाता है। क्रिया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्रिया से बाहर निकलने के लिए योगी योग करते हैं, तब मन पूरा निग्रह होगा। जब आप क्रिया को भी तंत्र मंत्र वचन थिर सुरत निरत्थिर होए कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई, क्रिया को भी स्टॉप करना, तब मन वश में आया। जो सांस ले रहे ये भी क्रिया, जो याद कर रहे ये भी क्रिया। कदम कदम पर आपकी जिंदगी में भी अजूबे साहब दिखाता चलता है, ठीक है? आप सोचते हैं साहब चार भुजाधारी प्रकट होकर कह जाओ आशीर्वाद तुम्हें, ये काम कर। हमारे सबकी नेचर ये है, सीरियलों ने आदमी को बिगाड़ रखा है। चार भुजा को देखकर मत भरमो कोई, कहे कबीर सुन हमरे साहब की दुई भुजा हुई, ठीक है ना? इसलिए हमारे साहब की भी दो भुजाएं हैं, चार पार नहीं है। बैठो, इस तरह मन निरोध करना कितना मुश्किल है। ये मुश्किल काम समझ में आया क्या मैंने जो सब आया कि नहीं? सिर्फ बुद्धि को ही थोड़ी रोकना है, सिर्फ चित्त को थोड़ी रोकना है। इसलिए अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, बोला नहीं हो सकता है हे जनार्दन, आकाश का मैं तोड़ने के लिए कहो, कोशिश भी होगी हालांकि असंभव है। वायु को गठान लगाना कहो, मैं कोशिश कर लूँगा हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है, कोशिश कर लूँगा। और समुद्र का मंथन कहो, वो भी कोशिश कर लूँगा, हो नहीं सकता है। वायु की गठान भी नहीं हो सकती, पर मैं तो मन को काबू करने की कोशिश भी नहीं करना है, मैं हार चुका हूँ। मन है निरंजन, ये अस्थिर है, ये अस्थिर है। मन है निरंजन सब है न चाहिए, सबको न चाहिए। अब वो फिर क्या करते हैं, पहले चित्त का निरोध करते हैं। कोई बात नहीं, सोचना नहीं, ठीक है? इसमें आपकी क्रिया थी, आपने सोचना बंद कर दिया, हद से हद फिर आप क्या करेंगे? बुद्धि कोई फैसला नहीं करे, आप इतना भी कर लोगे, मन तो भी एकाग्र नहीं होगा, ठीक है? इतना भी कर लिया, फिर इच्छाएं उठेगी, ऐसी इच्छा उठेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, पहले तो आपको घुमा देगी। आप बैठे हुए चुपके से ध्यान करना है, इच्छा उठेगी एक कमरा और बनाए, बस उलझ जाओगे, सीमेंट कहाँ से आना है, रेता कहाँ से लाना है, और लोहा कहाँ से। बाद में आपको ध्यान आएगा, ओ चित्त बुला भी देगा, पूरी मदद होगी। आप कहेंगे यार ध्यान में बैठा ये क्या हुआ, फिर एकाग्र होंगे। बहुत मुश्किल, हरी माया अति दुस्तर तर न सके भेगेश, बहुत मुश्किल। अब बाकी सब रुक दिया, आप ध्यान से बैठ भी गए, इधर उधर चित्त भी आपने निग्रह कर लिया, फिर भी अपनी ये करामात दिखाएगा, सांस तो ले ही रहे हो ना, क्रिया तो हो ही नहीं ना, इसका मतलब मन एकाग्र नहीं हुआ। जब तक ये एकाग्र नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार होगा ही नहीं। इसके लिए फिर क्या करते हैं, सुनो अब, इसी के लिए फिर सुषुम्ना नाड़ी में जाते हैं।
कहाँ जाते हैं? सुषुम्ना नाड़ी में क्यों जाते हैं? सुनो, ताकि ये जो ब्रीथिंग है इसको भी एक्टिव करें, जितनी एक्टिविटी है बॉडी की वो सब स्टॉप करें। जो हम सांस ले रहे हैं वो 10 वायु बनती है, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन ब्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबल, इससे एक्टिविटीज है। बिजली से पंखा चलता है, इलेक्ट्रिक मशीन चलती है, लिफ्ट चलती है, गाड़ियाँ चलने लग गई है, प्रेस हीट देती है, हीटर्स, बॉयलर, बड़ी बड़ी मशीनें, बिजली एक ही है लेकिन उनको इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मिल रहा है। इस तरह नौनाड़ियाँ अलग अलग है और 10वां सबल वायु पूरे बॉडी में है। इस तरह नौनाड़ी और 10 पूरी कोशिकाओं में 10 वायु घूम रही है, 10ों वायुएँ इस प्रकार से शरीर में घूम रही है, ये एक्टिव है बॉडी में। इनको रोकना बड़ा मुश्किल नहीं हुआ? मने निरंजन सभे नचाए साहेब, ठीक नहीं करें? कितने स्पेशलिस्ट थे। फिर वो क्या करते हैं, 10 वायु है शरीर में, तब जो हम सांस लेते हैं नाभि में आती है, ये अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन ब्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबल, ये 10 वायु बनती है, इससे बॉडी एक्टिव हो रही है। जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने की क्रिया आत्मदेव ही कर रहा है, वो वहीं बिजी हो गया, वो तो श्वास बन गया, वो क्या बन गया, खुद श्वास बन गया है, और श्वास शरीर के लिए जरूरी है, इससे बॉडी काम कर रही है। अपान से पूरा डाइजेशन सिस्टम, मल मूत्र बाहर हो रहा है, ये रुक जाए तो आदमी हैरान हो जाएगा। उदान कलेजे में, अपान को ऊपर नहीं आने दे रही। प्राण हार्ट बीटिंग में, ब्लड मस्तिष्क तक पहुंच रहा है आपका प्रेशर के साथ। सर्वतन ब्यान जोड़ों में, इससे आपके हाथ पांव हिल रहे हैं, मुर्दे के नहीं हिलेंगे, हाथ टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ये वायु है, काम ही वायु का है। समान शरीर को मोटा होने से रोक रही है, देखो पूरी वायु हिसाब से बॉडी है। धनंजय शक्ति लगा रहे हैं, भुजाओं में रहती है, इसलिए गठिया भी गैस्ट्रोबल है। आप गैस्ट्रोबल से बचना, ये डेंजर चीज है। गैस जब इंसान पेट में रोकता है वो अल्सर करेगी, पहले पूरी आंतों का सिस्टम बिगाड़ेगी और उसके बाद कैंसर की स्टेज आ जाती है। तो ये वायुएं शरीर चला रही है। नाग वायु कंठ में है जो नींद लाती है, देखो कितनी जरूरी है। कहाँ पर रहती है, उबासी लेते ना तो तालू के ऊपर सुकड़ता है जो, वहाँ रहती है ये बिगड़ गई तो नींद ही चली जाएगी, कहते नहीं हवा चढ़ गई है उसकी। किरकिल नासका में छींकते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, सभी वायुओं को अलग अलग कर रही है, मिलने नहीं दे रही है, ठीक है, बड़ी ड्यूटी है इसकी। जैसे भाई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है कि ट्रैफिक को रिलीज करना, जाम नहीं होने देना, इस तरह किरकिल वायु है। जब छींकती है तो अच्छा लगता है, उलझन मिट जाती है। इस तरह देवदत्त पलकों को उठा रही, गिरा रही है, अगर ये नहीं तो आंखें पथरा जाएगी। आपके पलकों के पीछे एक लिक्विड बनता है, आंखों को तरी चाहिए नहीं तो खुश्क हो जाएगी आंखें। और सर्वतन ब्यान पूरी स्किन को चमकाए हुए है, इसलिए आदमी जब जिंदा है तो सुंदर लगता है, मरा तो कुमला नहीं जाता है। वो उसका काम है, बॉडी को कुमलाने नहीं दे रही, ये इंसान का जिस्म। यानी हमारी एक्टिविटीज श्वास से शुरू हुई, इसलिए वो इंडिया को पिंगला में लेकर के ऊर्ध्वमुखी श्वास लेते हैं। जब श्वासा ऊर्ध्वमुखी चलने लगती है, ये भी कंसंट्रेशन से, श्वासा नाभि में कौन पहुंचाया, आत्मदेव चेतना, पलटेगा भी कौन, कंसंट्रेशन। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा, जब श्वासा ऊपर की तरफ पलटती है तो धीरे धीरे शरीर शून्य लगेगा। सहजो साध कहे सुखी कहे लागी शून्य समाध, धीरे धीरे आपको लगेगा शरीर स्पंदनहीन हो गया, शरीर स्पंदनहीन हो गया। पर इतने में मन यहां आपको एकाग्र नहीं होने दे, मन नहीं चाहता है आप रूप को जाने, आत्मा को जाने, मन नहीं चाहता है। वो जानता है अगर आत्मा को जान गया मेरा खेला ही खत्म है, इसलिए आत्म ज्ञान नचकेता और यमराज के किस्से में भी देखो कहा, सब कुछ ले लो बाकी आत्मज्ञान नहीं चाहना।
ये सबसे टफ है। नाम गुरु ले सत्संगी, नाम गुरु मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी।